लक्ष्य है हिंदी और इंग्लिश स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में हमने हिंदी के फर्स्ट प्लेस या प्रथम स्थान के स्वर समझे थे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी आशुलिपि के दूसरे स्थान के स्वर, जिन्हें कि हम दूसरे स्थान के स्वर, द्वितीय स्थान के स्वर या सेकंड प्लेस वावल बोलते हैं, सीखेंगे। जिस प्रकार से प्रथम स्थान के स्वर में रेखाक्षर जो था हमारा, अधोगामी रेखाक्षर लाइन से ऊपर समाप्त होता था यदि वह अकेला आ रहा है, तो दूसरे स्थान के स्वर में वह लाइन को छुएगा और जो स्वर है वो पहले और बाद में दूसरे स्थान पर लगेगा। उसी प्रकार से यदि दो अधोगामी आते हैं तो पहला लाइन को छुएगा और दूसरा रेखाक्षर जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। प्रथम स्थान में बच्चों हमने तीन और चार वावल किस प्रकार से लगते हैं या लगाए जाते हैं, जिसमें दो बिंदु स्वर थे और दो डैश या टिक स्वर थे। तो दूसरे स्थान के स्वर में हम सीखेंगे कि तीन स्वर होते हैं, एक बिंदु स्वर है तथा दो डैश स्वर है। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। आओ बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग दूसरे स्थान के स्वर करेंगे। तो बच्चों, इसके अंदर तीन स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं टोटल? तीन। वो स्वर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक है हमारा क्लियर ए, इसके लिए बिंदी लगाई जाती है। उसके बाद में आता है ओ, आपने पीछे वाली कक्षा में देखा था औ और हल्का ओ का जो अंतर था, इसके अंदर हम डैश लगाएंगे। तथा जो हमारा तीसरा स्वर है वह ए का स्वर है। ए के स्वर के बारे में यह कहूंगा कि जिस रेखाक्षर के साथ कोई भी स्वर नहीं आ रहा है तो उसके साथ में ए की ध्वनि होती है। आप कोई भी रेखाक्षर मन में बोल के या वैसे बोल के देखें, जैसे क, ल, भ, न, म, तो ये वाला स्वर है जो बच्चों, ये हमने शब्द के जब शुरुआत में आता है सिर्फ तभी लगाना है, इसके अलावा इसका प्रयोग हमने नहीं करना है। दूसरी जो जरूरी बात है वो यह है कि जो हमारे अधोगामी रेखाक्षर हैं, यानी कि जो ऊपर से नीचे आने वाले हैं, वो चाहे शुरू में है, अकेला है, शुरुआत में है, अंत में है, बीच में है, लेटवा रेखाक्षर है, लेटवा के बाद ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, या दो लेटवे रेखाक्षर है, या दो अधोगामी रेखाक्षर है। तो जो हमारा अधोगामी रेखाक्षर है कहीं भी आ रहा है, वो शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, अंत में आ रहा है, वो लाइन को छुएगा। उसके पश्चात यदि दूसरा भी अधोगामी आ गए, यदि दो अधोगामी आ रहे हैं तो पहला लाइन को छुएगा, दूसरा वाला लाइन से नीचे चला जाता है। तो इस चीज का हमने बच्चों विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभी तो आप लोग बिल्कुल शुरुआत में हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा स्वर जो है वो लगाते हैं। लेकिन जब आप आगे एडवांस स्टेज में आओगे, स्पीड में आओगे, उस समय स्वरों को कम कर दिया जाता है, या जो बहुत ज्यादा जरूरी स्वर है सिर्फ उसी स्वर को लगाया जाता है। तो उस समय यदि हम प्लेसमेंट का, जैसे कि प्रथम स्थान में लाइन से ऊपर, द्वितीय में लाइन को छूना है, तृतीय में आगे लाइन को काटना है, हम लोगों ने वो ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इस चीज का विशेष ध्यान देना है बच्चों। शुरुआत करते हैं हमारे पहले एक के स्वर के साथ, ए। इसके लिए बच्चों बिंदी लगानी है, यह है गहरा या गाढ़ा स्वर होता है। फिर से वही कहूंगा, जो बच्चे स्कूल में या आईटीआई में जाने वाले हैं
वे लाइट डार्क का या गहरे हल्के स्वर का ध्यान दें और रेखाक्षरों का भी ध्यान दें। लेकिन जो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ बच्चे यह भी बताना चाहता हूँ कि शायद मैं अकेला ही टीचर ऐसा हूँ जो लाइट डार्क के चक्कर नहीं रखवाता है, जो लाइट डार्क के कंसेप्ट में बच्चों को नहीं डाल रहा। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप स्पीड में आओगे, जब आप पेन का यूज करोगे, तो उस समय चीजें पॉसिबल ही नहीं है। जब आप 80, 100, 120, 140, 160 शब्द तक की स्पीड से डिक्टेशन लिखोगे, तो उस समय ये चीजें संभव ही नहीं होती कि आप लाइन डार्क का इकट्ठे ही प्रयोग कर सके। इसीलिए मेरा तो कंसेप्ट बच्चों शुरुआत से बिल्कुल सीधा है कि बच्चों को अगर कुछ सिखानी है, अंतर करवाना है, तो वो और दूसरे तरह से भी करवाए जा सकते हैं, जैसा कि मैं करवाता हूँ। उदाहरण देखिए बच्चों, एक स्वर पहले आ रहा है तो हमने एक पै बनाया, उससे पहले स्वर लगा दिया, बिंदु स्वर है ये। पे स्वर बाद में आ रहा है, पै बनाया, स्वर बाद में लगा दिया। जैसे कि मैंने बताया था द्वितीय स्थान के स्वर हैं, तो जो स्वर है बच्चों वो शब्द के बीच में लगेगा। और वो पीछे वाली वीडियो में भी मैंने आपको ऑलरेडी जब इसके स्वर और उसके स्थान बताए थे, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर रखी है और बार बार भी करता रहूंगा जब जब आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में बच्चों एक लाइन के ऊपर हमने कह बनाया और इसके ऊपर स्वर लगा दिए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बच्चों इसको इसके ऊपर रखा है, अन्यथा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लाइन के ऊपर ही आएगा एक। के लाइन के ऊपर कह एक, एम ये मैं बनाएंगे हम इस प्रकार से, स्वर ऊपर लगेगा। में स्वर बाद में आ रहा है तो आप जानते हैं नेटवर्क रेखाक्षर में बाद या आफ्टर नीचे होता है और बिफोर या पहले ऊपर होता है। तो उसी प्रकार से मैंने ये आपको उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा आप देखिए जैसे ले, ले बनाया, स्वर बाद में आ रहा है तो उसके बाद में हमने उसको लगा दिया। इसके अलावा और उदाहरण देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में, अंत में, बीच में या दो लेट वहाँ किस प्रकार से हम करेंगे वो देखिए आप। जैसे शुरुआत में कोई अधो कमी आया, फिर लेट वहाँ या उधर कमी है तो कैसे करेंगे। जैसे आप देखिए देख, दे, है, इसको काटेंगे हम लोग देख या तेल, तय अधोगामी, ले उधरोगामी, तो ये इसके स्वर लगा दिया। इसी का बच्चों अपना विशेष ध्यान देना है, रेखाक्षर हमारे समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है तय लंबा हो गया, ले छोटा है, या तय छोटा है, ले ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे रेखाक्षर है वो आपकी कॉपी की जो चौड़ाई है उसका 3/4 रहेंगे, यानी कि तीसरा हिस्सा होता है वो। उसके बाद में देखें खेत, 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 मेल। इसमें देखो जो पहले नेटवर्क रेखाक्षर है, फिर उधरोगामी रेखाक्षर है, नेटवर्क रेखाक्षर जो लाइन पे है और ऊपर की तरफ चला गया। मेल या नेक, ने, के, नेक। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मानो दो स्वर भी आ जाए तो हमने उनको बिल्कुल लगा देना है, लेकिन जो हमारे रेखाक्षर है या जो हम शब्द बनाएंगे उसके अंदर जो सबसे पहला स्वर है उसी के अकॉर्डिंग आउटलाइन आपने बनानी है। जैसे कि मेमना, इसमें ए का स्वर भी है, आ का स्वर भी है। ए का जो स्वर है यह
दूसरे स्थान का स्वर है बच्चों, और आपका स्वर जो है ये है प्रथम स्थान का स्वर है। लेकिन शब्द के अंदर जो पहला जो स्वर है वो द्वितीय स्थान का है, तो इस आउटलाइन को हम द्वितीय स्थान के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। वो कैसे बनेंगे बच्चों, मैं ना, इसके अलावा जैसे दो अधोगामी आए तो आप देखें कि वो लाइन को काटते हैं, पहला जो है लाइन को छुएगा से रे शेर, ये थोड़ा सुंदर नहीं बना, इसको दोबारा बनाते हैं हम लोग शेर या बेर, बेर। इस प्रकार से हम ए को जो है उसके स्वर जो है उसको समझेंगे, या ए का जो हमारा स्वर है वो बच्चों क्लियर हो गया है। इसके बाद में अब आपको दूसरा स्वर करवाता हूं मैं। उस दूसरे स्वर में बच्चों हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो दूसरा स्वर है वो ओ की आवाज आएगी उसके अंदर, ओ बिल्कुल क्लियर ओ। पहले हमने देखी थी औ और हल्की ओ, अब हम देखेंगे क्लियर ओ की आवाज आ रही है। तो हमारा दूसरा स्वर है बच्चों ओ, इसके लिए डैश है, यह है गहरा या गाढ़ा स्वर है, गाढ़ा हल्का जिसने रखना है अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से गाढ़ा या हल्का रख सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे शब्द है बच्चों दो, दे स्वर बाद में आ रहा है तो बाद में लगा दिया, दो जो लो ले ओ का स्वर लो, को के लाइन के ऊपर ओ, ये बन गया हमारा को, सो सो, ये बेटा वो है सो वाला, जो पीछा आपने सीखा था सो, उसके अंदर हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये है सो, ये है सो हंड्रेड वाला। इसके बाद में और देखिए यहां पर, जैसे खोद, पहले है फिर जो हमारा लेट वाले अक्षर उसको काटेंगे हम, क्योंकि वह हकारी है, फिर दै खोद या मोल, मोर मोर। अगर दो अधोगामी आते हैं तो पहला लाइन को छुएगा, दूसरा लाइन के नीचे चला जाएगा, चोर बोर शोर शोर, इसके अलावा तोल तय ले तोल। इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें भी ऐसा ही है, अगर आप शुरुआत में हमारा द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है उसके बाद में कुछ भी आए, चाहे प्रथम का हो, द्वितीय का हो, तृतीय का हो, तो हमने आउटलाइन को प्रथम के अनुसार ही या द्वितीय के अनुसार ही बनानी है। जो पहला स्वर है उसी के अकॉर्डिंग हम
बनाएंगे। जैसे खोद के बाद में अगर मानो शब्द आ गया बच्चों खोदा, इसमें दो स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो खोदा, क्योंकि शुरुआत में तृतीय स्थान का स्वर है, इस वजह से हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद में बच्चों हमारा जो तीसरा स्वर है वो ए का स्वर है, उसके अंदर ए की आवाज आती है। उस स्वर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि शब्द के शुरुआत में ए का स्वर आ रहा है तो उसको बनाएं, अन्यथा उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों तीसरा जो स्वर है हमारा ए की ध्वनि है, इसके लिए डैश लगाया जाएगा। यह एक हल्का स्वर है, बिल्कुल हल्की सी आवाज आती है इसकी, तो इसको सिर्फ शुरुआत में आए तो प्रयोग में लेना है, अन्यथा नहीं लेना। जैसे कि अब ए बे स्वर पहले आ रहा है तो बे तो फिर लगा दिया जी हमने डैश का स्वर। तो बच्चों इस चीज का आपने विशेष ध्यान देना है, स्वर जो है आपने ज्यादा दूर भी नहीं लगाना है, स्वर ज्यादा पास भी नहीं लगाना है, एक निश्चित दूरी पर है उसको हमने लगाना है। अब अदब शुरुआत में आ रहा है, दे बे अदब, अर्ज वे जे का स्वर अर्ज, अर्थ रे थे रथ, और ए का स्वर लगने से बन गया हमारा अर्थ। अर्चना स्वर में आ रहा है रे से ना, ये बच्चों हमारा रचना बन गया, लेकिन जब इसके ए का लगाएंगे तो ये बन गया हमारा अर्चना। तो इसके अंदर बच्चों इस बात का हमने ध्यान देना है कि ए का स्वर यदि शुरुआत में आए तो लगाना है, अन्यथा नहीं। ये जैसे दब है, इसकी बजाय मानव शब्द आ गया बच्चों दबक, दबक, तो दे बे के, कई किताबों में आप देखेंगे कि ये दो स्वर लगा रखे हैं, इसका कोई फायदा तो नहीं बच्चों, इसके बिना भी आप इसको दबक ही पढ़ोगे, इसमें तो वेस्टेज ऑफ टाइम है जो कि हमने नहीं करनी। दबक रथ रे रथ, घर घर, रचना रे ना रे से ना, किसी भी स्वर को कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की। इसके बाद में देखिए नथ ने थे, नथ ने अधोगामी रेखा अक्सर शुरू में आए, बीच में कहीं भी आए वो लाइन को छुएगा, नथ। नमक, तीनों के तीनों लेटवा रेखा अक्सर है तो बच्चों लाइन पर ही रहेंगे, मैं के नमक। इस प्रकार से हम जो इस स्वर का प्रयोग करेंगे बाद में नहीं लगाने के लिए बच्चों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में लगाने से हमें कोई भी फायदा नहीं है, और जिस चीज का हमें कोई भी लाभ ना होता हो तो उससे हमारा समय ही खराब होगा। इस प्रकार से बच्चों आज हमने द्वितीय स्थान के जो स्वर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो इस वीडियो को आप एक दो बार और देखें। फिर से वही बात कहना चाहूँगा बच्चों के जितने भी एग्जाम्पल वगैरह हैं आपकी बुक में या जो मैं दूँ आगे चल के आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, वो आपने एक पेज पर 3 या 4 के हिसाब से करनी है, इससे ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक शब्द के ऊपर हमने अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहो, मेहनत करो।